डिस्कस किए थे लास्ट, हमने देखा था कि एट्रीब्यूट में एक एट्रीब्यूट का नाम होता है और एक एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है. जैसे कि इस पैराग्राफ में जिक्र किया गया है कि लैंग्वेज और इक्वल्स टू ENUS, यानी इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो रही है. अच्छा, तो एट्रीब्यूट क्या करता है? एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉन्टेंट ऑफ द एलिमेंट, कि उस एलिमेंट में जो भी कॉन्टेंट है. अभी तो हमारे केस में इस पैराग्राफ में टेक्स्ट मौजूद है, ठीक है, इसकी जगह कोई फोटो भी हो सकती है कल को एज अ कॉन्टेंट. तो उस कॉन्टेंट के बारे में मजीद डिटेल प्रोवाइड करता है. किसको करता है? ब्राउज़र को. जो भी हमारा ब्राउज़र है उसको बताता है कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि कंप्यूटर को समझाना पड़ता है. कंप्यूटर इतना समझदार नहीं होता कि वो खुद से उसको समझ आ जाएगी अंग्रेज़ी की लैंग्वेज है. अच्छा, तो मिसाल के तौर पे आपने अक्सर ये नोट किया होगा कि मैं किसी भी वेबसाइट पे अगर जाता हूँ, मैं गूगल क्रोम ओपन करता हूँ और कोई मैं लिख लेता हूँ कि आर्टिकल लिख लेता हूँ, ठीक है, कोई आर्टिकल है चैट जीपीटी से मुतालिक है ये. अब इसके टेक्स्ट के दरमियान में आके मैं राइट क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होता है ट्रांसलेट का. आई एम नॉट श्योर कि अभी वो क्यों नहीं आ रहा. अच्छा, इन्होंने कोई ये वो किया भाई कुछ ना कुछ. ये मैं एक दूसरे आर्टिकल में आ गया. अच्छा, वो ट्रांसलेट एक्चुअली शायद इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मेरे सिस्टम में जो लैंग्वेज सेट हुई हुई है वो भी इंग्लिश है और वो कंटेंट भी इंग्लिश में. तो मैं इसमें फ्रेंच लिख देता हूँ, ठीक है, फ्रेंच में कोई आर्टिकल हम खोल लेते हैं ना कि जो फ्रेंच में लिखा गया हो. ये भी इंग्लिश में ही है, ये भी इंग्लिश में ही है, इन फ्रेंच लैंग्वेज. अच्छा जी, फ्रेंच टुडे करके हमारे पास एक शायद ये कोई न्यूज़ है वो आ गया, एंड आई होप कि ये फ्रेंच में है. नहीं है, ये भी इंग्लिश में ही है, ये भी इंग्लिश में ही. अच्छा, एक वेबसाइट में यूज़ किया करता था सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करने के लिए, बगास 31. ये वेबसाइट जो है वो रशियन वेबसाइट है, ठीक है. तो अच्छा, अभी ये भी इंग्लिश में खुली है यार, ये क्या चक्कर है? नहीं, इंग्लिश में नहीं खुली है ये इसकी हेडिंग्स वगैरह अगर आप देखें ना, तो ये इसने स्टिल कुछ रशियन वशियन में लिखा हुआ है. अच्छा, तो इसमें तो आ ही जाना चाहिए वो ऑप्शन. जब मैं राइट क्लिक करूँ यहाँ पे ना, तो इसमें तो ट्रांसलेट का ऑप्शन आना चाहिए, है ना यार? कुछ कुछ मैंने सेटिंग में गड़बड़ कर दी है शायद. अच्छा, नहीं अभी कोई मेरे ख्याल है सेटिंग का कोई चक्कर है, क्योंकि ये इसने बाय डिफॉल्ट जो है ना इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है और कहीं पे कोई लोगो शो नहीं कर रहा, ठीक है. वेल, तो लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होती है, मुझे नहीं पता मैंने क्या किया वो, जिसकी वजह से ये गड़बड़ हो रही है. आमतौर पे ना आप क्या करेंगे, जब कोई वेबसाइट आप ओपन करते हैं और उसका अगर वो किसी दूसरी लैंग्वेज में, आप उस पर टेक्स्ट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं ना, तो ट्रांसलेट का बटन उस पर बना हुआ रहा होता है. अब जब ट्रांसलेट का बटन दबाते हैं ना, अच्छा वो पॉपअप भी दे रहा होता है समटाइम खुद से. अगर वो कोई दूसरी लैंग्वेज है ना, आपकी जो सिस्टम में जो लैंग्वेज सेट है उसके अलावा अगर कोई दूसरी लैंग्वेज में पैराग्राफ लिखा हुआ है वो उस वेबसाइट में, तो वो ऑटोमेटिकली आपको पॉपअप देना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको पता है आपको फ्रेंच नहीं आती है, आप इंग्लिश में आमतौर पर वेबसाइट को यूज़ करते हैं. तो उसको, ब्राउज़र को ये बात इसी तरह से पता चलती है कि वो लैंग्वेज के साथ में ये एट्रीब्यूट लगा हुआ होता है कि अच्छा जी ये पैराग्राफ जो है वो फ्रेंच में, या ये पूरी वेबसाइट ये अभी तो एक पैराग्राफ में लगा हुआ है. हमारे पास जो HTML का टैग होता है, जो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, तो ये हमारा जो टॉप पे HTML का टैग है ना, जो हमने लास्ट टाइम जो वेबसाइट बनाई थी, हमने क्या किया था, जो बॉयलर प्लेट इस्तेमाल किया था कि भाई एक्सक्लेमेशन मार्क लिखो, थोड़ा सा कोड खुद लिख के दे देता है. तो आप नोट करें इस HTML के साथ ना, यहाँ पे लिखा हुआ लैंग्वेज EN, इसका मतलब है कि ये पूरा HTML का डॉक्यूमेंट, यानी कि ये पूरी की पूरी वेबसाइट अंग्रेजी में बनी हुई है. ये हमने बाई डिफ़ॉल्ट पहले ही बता दिया उसको, ठीक है, शुरू करते ही. अच्छा, तो इसमें क्या होगा कि अगर इसको कोई चाइनीज़ खोलेगा ना अपने पास,
तो उसके पास इंग्लिश में खुलेगा और उसका ब्राउज़र उसको पॉपअप भी देगा, अगर देना चाहे तो दे सकता है कि भाई आप इसको क्या चाइनीज़ में ट्रांसलेट करना चाहते हैं। अच्छा, तो हमें क्या पता चला कि ये जो एट्रीब्यूट है ना, ये कंटेंट के बारे में मज़ीद डिटेल देता है ब्राउज़र को, जिससे ब्राउज़र इंटेलिजेंटली क्या करता है, यूज़र एक्सपीरियंस को डेवलप करता है कि अच्छा जी ये लैंग्वेज ऐसी है। अच्छा, ये लैंग्वेज के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं एट्रीब्यूट, अगर लैंग्वेज नहीं देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो उसको इंग्लिश कंसिडर कर लेता है। हाँ, गूगल क्रोम बाय डिफ़ॉल्ट उसको इंग्लिश कंसिडर करता है। अच्छा, गूगल क्रोम जो है क्योंकि एक इंटेलिजेंट ब्राउज़र है, तो सम टाइम वो खुद से भी डिटेक्ट कर लेता है कि अच्छा ये अरबी लिखी हुई है या ये फ्रेंच लिखा हुआ है, खुद से भी डिटेक्ट कर लेता है वो। ठीक है, उसको वो ऑटो एनोटेशन करके पता नहीं कुछ कहते हैं वो, कि वो बहुत सारी चीज़ों को खुद से डिटेक्ट कर लेता है। इवन दो कि ये जो ऊपर हेड वगैरह लिखा हुआ है ना, या इवन ये HTML जो लिखा हुआ है, अगर ये मैं सारी चीज़ें भी हटा दूँ ना, मैं सीधा H1 लिखूँगा तो भी गूगल क्रोम उसको समझता है। लेकिन हमें गूगल क्रोम के स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करना है, हमें फॉलो करना है HTML5 के स्टैंडर्ड को। ठीक है, HTML5 का स्टैंडर्ड ये कहता है कि जी आपने ये ऊपर लगाना है, और ये क्या कहते हैं, इस तरह ऐसे ENUS आपने लिखना है, और ये हेड लगाना है, फिर बॉडी आपने लगानी है, फिर बॉडी के अंदर वो सारी चीज़ें लिखनी है। अच्छा, अगर हम HTML5 के स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे तो उसका बेनिफिट ये होता है कि जितने जो दूसरे ब्राउज़र्स हैं, क्योंकि सिर्फ गूगल क्रोम एक ब्राउज़र तो नहीं है ना, और भी ब्राउज़र्स हैं जो निस्बतन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं वो। ठीक है, कुछ जैसे कॉरपोरेट्स होते हैं, अगर इवन दो कि अभी भी कुछ कॉरपोरेट्स ऐसे हैं जो पुरानी विंडोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपको पता है कॉरपोरेट में क्या होता है, कोई अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना अलाउ नहीं होता, वो कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दे देते हैं, बस उसी पे करना होता है जो भी होता है, और उसका इंटरनेट वगैरह बंद होता है उस कंप्यूटर का, उसमें इंटरनेट लगा हुआ होता है जो उसी बिल्डिंग का एक अपना इंटरनेट होता है वो उसमें लगा होता है। तो कॉरपोरेट्स में ज़्यादातर ये प्रैक्टिस की जाती है। अब वो अगर किसी ने Windows 7 या विस्टा कोई चल रही है कहीं पर, या Windows 8 चल रही है, तो क्या होता है उसमें बिल्ट इन ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट डाला हुआ होता है, एज या तो इंटरनेट एक्सप्लोरर डाला हुआ होता है। अब वो इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर ना शायद वो वेबसाइट उस तरह से ना खुले अगर मैंने फॉलो नहीं किया प्रॉपर स्टैंडर्ड को। तो मैंने क्या करना है, HTML5 का स्टैंडर्ड फॉलो करना है ताकि जितने भी छोटे से छोटे या बड़े से बड़ा ब्राउज़र है ना, उस पर मेरी वेबसाइट सही तरह से खुल जाए। ठीक है, गूगल क्रोम इंटेलिजेंट है वो बात अलग है, लेकिन हमने उसको कंसिडर नहीं करना फ़िलहाल के लिए। बाकी ये कि उसकी इंटेलिजेंस से हमें फ़ायदा होगा, हमारे यूज़र को फ़ायदा होगा, बिल्कुल क्यों नहीं होगा। अच्छा जी, तो ये एट्रीब्यूट की बात हो गई। अब ज़रा बात हो जाए कि बॉडी और हेड और ये टाइटल, ये तीन यहाँ पे मार्कअप का जिक्र हो रहा है। अगर हम अपने कोड में आएँ तो देखें, ये बॉडी का मार्कअप हमारे पास ये लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा, हेड जो है वो ये पूरा का पूरा हेड है, और ये पूरा का पूरा जो है वो टाइटल है। तो ये तीन मार्कअप के बारे में ये जिक्र कर रहा है कि ये क्या बात ये। अच्छा, तो बॉडी के बारे में इन्होंने लिखा है कि यू मेट द बॉडी एलिमेंट इन द फर्स्ट एग्जांपल वी क्रिएटेड, एवरीथिंग इनसाइड दिस एलिमेंट इज शोन इनसाइड द मेन ब्राउजर विंडो। कि ये बॉडी का हमने पहली एग्जांपल में ही देख लिया था कि बॉडी होती है कुछ, और कह रहे हैं कि बॉडी के अंदर जो भी बात लिखी हुई होगी ना वो मेन ब्राउजर विंडो पे नजर आएगी, बाकी चीज़ें मेन ब्राउजर विंडो पे नजर नहीं आएंगी। जैसे कि आप देखें हेड के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं वो मेन ब्राउज़र विंडो पे ये बातें नज़र नहीं आ रही हैं, मेन ब्राउज़र में सिर्फ ये बॉडी के अंदर वाली बात नज़र आ रही है। अच्छा, और अगली बात अब क्या हो रही है, हेड बिफोर द बॉडी एलिमेंट यू ऑफन सी ए हेड एलिमेंट। अच्छा, ऑफन सी का मतलब इसने बोला है कि ज़्यादातर आप देखेंगे कि हेड का एलिमेंट है, इसका मतलब है हमेशा नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है कुछ केसेस में वो ना हो, तो हेड इज़ ऑप्शनल। ठीक है, हेड लगाना ऑप्शनल है। अच्छा, लेकिन ऑफन ये लगाना ही पड़ता है आपको, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी डिटेल्स होती हैं जिसकी हमें ज़रूरत रहती है। अच्छा, दिस कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेज। ये हेड जो इसका नाम रखा है ना, कंप्यूटर साइंस के अंदर एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है ये, जिसको हम कहते हैं हेडर। तो ये हेडर से निकला है हेड। अब वो हेडर क्या चीज़ होती है, जैसे इंटरनेट पे भी तार से जब डेटा ट्रैवल करता है, तो जब एक डेटा का एक पैकेट जब तार से गुजर रहा होता है तो उसका एक हेडर होता है, यानी शुरू की कुछ बाइट्स होती हैं जिसको हेडर कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा, इसी तरह जब आप प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को ही आप देखते हैं तो उसमें भी एक हेडर लगा हुआ होता है, जिसमें हेडिंग वगैरह, डेट और किस किस इदारे से ये आया है लेटर, या किसके नाम ये लेटर आया है, वो हेडर टॉप पे वो लिखी हुई होती है बात। आमतौर पर वो एनवेलप के बाहर से ही वो दिख भी रहा होता है, वो पन्नी लगाई हुई होती है उस जगह पर, तो वो दैट इज़ कॉल्ड हेडर, कि वो टॉप पे होता है। अच्छा, तो उसमें उस हेडर में जो लेटर कहीं से भी अगर आया है प्रिंटेड फॉर्म में, उस हेडर में वो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं होती,
कि ये लेटर, लेकिन लेटर के बारे में तमाम चीज़ें होती हैं कि ये लेटर किसके नाम आया है, किसने भेजा है और इसका सब्जेक्ट वगैरह क्या है एक्स वाई। ये जो लेटर के बारे में जो चीज़ें होती हैं ना, अच्छा किस डेट को लिखा गया है लेटर या किस डेट को इशू किया गया है, ये सारी बातें। तो हेडर जो होता है वो क्या होता है, जिसके लिए एक लफ्ज़ और भी यूज़ किया जाता है, मेटा डाटा। मेटा डाटा जो होता है ना, वो भी इसके लिए लफ्ज़ यूज़ किया जाता है कि किसी भी डेटा के बारे में डेटा, सही है, किसी भी डेटा के बारे में डेटा कि ये डेटा है क्या। आमतौर पे जब कोई जैसे सर्वे वगैरह होता है तो वो उसका डेटा अल्टीमेटली एक एक्सेल शीट में असेंबल होता है, लेकिन उस एक्सेल शीट के साथ एक शीट हम और भी बनाते हैं छोटी सी, जिसमें लिखा होता है अच्छा इस फील्ड का मतलब क्या है, इस फील्ड का मतलब क्या है, क्योंकि वो तो डेटा बहुत सारा है, उसमें हज़ारों की तादाद में वो फील्ड्स मौजूद हैं। तो उसके लिए छोटा सा एक हमें अलग से भी बनाना पड़ता है नोट, ताकि उस डेटा को समझने अगर कोई आए तो वो उस नोट को पढ़ के आसानी से उस डेटा को समझ पाए। तो दैट इज़ कॉल्ड मेटा डेटा, ठीक है। तो हेड इज़ समथिंग जो डेटा के बारे में डेटा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी अभी हम वो देखते हैं। इसके अंदर ये कह रहा है टाइटल होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ना इसमें टाइटल होगा। अच्छा टाइटल क्या करता है ये हेड के अंदर जो होता है, कह रहे टाइटल कंटेन्स, ये टाइटल में ना आपकी वेबसाइट का एक टाइटल होता है जो शो कहाँ पे होता है, आपके ब्राउज़र के टॉप विंडो पे शो हो रहा होता है। अच्छा मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे टाइटल में लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, अच्छा इसको हम चेंज करके कर देते हैं हेलो वर्ल्ड। अच्छा ये हेलो वर्ल्ड ना, जब मैं इस वेबसाइट को ओपन करूँगा, इस वेबसाइट को मैं ओपन करता हूँ कॉपी पाथ, और कॉपी पाथ करके मैं ये मैंने ओपन किया। अब आप देखें ये जो मेरे जो ब्राउज़र पे ये यहाँ पे शो हो रहा है ये हेलो वर्ल्ड, अच्छा ये हर वेबसाइट में शो हो रहा होता है, आप देखें है ना। ये गूगल ऐप इंजन के अंदर ये लिखा हुआ रहा है गूगल ऐप इंजन, कंप्यूट इंजन में देखें लिखा हुआ रहा है वी एम इंस्टेंसेज। अगर मैं यहीं पे यूट्यूब ओपन करूँगा तो आप वो यूट्यूब लिखा हुआ आ जाएगा उस पर, ठीक है। देखें यूट्यूब भी लिखा हुआ आ गया, छोटा सा उसका वो लोगो भी बना हुआ आ गया। तो ये टाइटल होता है, ठीक है, टाइटल यहाँ पे शो हो जाता है। अच्छा आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये टाइटल को नोटिस कर लिया था कि अच्छा ये टाइटल यहाँ पे शो होता है, आपने कर लिया था, चलें गुड। अच्छा जी तो ये हमने देख लिया कि जी बॉडी क्या होती है, हेड क्या होता है और टाइटल क्या होता है। स्टिल ये तमाम मार्कअप्स एक लिस्ट है, एक लंबी लिस्ट है HTML के मार्कअप्स की, HTML के एलिमेंट्स की, हमने वो सारी लिस्ट को एक्सप्लोर करना है, उन सारे मार्कअप्स को थोड़ा थोड़ा सा देखना है एक दफ़ा, तो ये HTML हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस बुक के टोटल 8 चैप्टर हैं जो इस पे डिस्कस हो रहा है HTML सारा का सारा। अच्छा आगे चलते हैं जी हम, इसने यहाँ पे भी फ़ोटो बना के बताई है कि अच्छा जी इस तरह से यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होता है। ये सफारी ब्राउज़र है, सफारी ब्राउज़र में वो टैब पूरे पे आ रहा होता है, तो डिफरेंट ब्राउज़र में ये कहीं ना कहीं टॉप पे ही डिस्प्ले होता है हर टैब के साथ। अच्छा क्रिएटिंग अ वेब पेज, अब यहाँ पे ना ये वो वाली बात कह रहा है कि एक छोटा सा HTML का डॉक्यूमेंट ना बनाएंगे कैसे और सेव कैसे करेंगे, जो हमने CV वाले जब हमने वेबसाइट बनाई थी उसमें ये कवर हो चुका है, ठीक है। इसने ये बोला है कि भाई आप नोटपैड खोलो, नोटपैड खोल के उसमें वो HTML का कोड सारा हाथ से टाइप करो, उसको सेव करो आप, और सेव करके उसको ब्राउज़र पर खोलोगे तो वो खुल जाएगा। हमने नोटपैड की जगह पर विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल किया है, VS कोड। अच्छा वो हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि वो सब लोग यूज़ कर रहे हैं, बड़ा पॉपुलर है, मैं खुद भी पर्सनली वही यूज़ करता हूँ, लाइट वेट है और उसमें कन्वीनियंस है। जब हम HTML का या JavaScript का कोड उसमें लिख रहे होते हैं तो वो सजेशन देता है, कहीं पे एरर होता है तो वो मार्क भी करके बता देता है कि ये एरर है, तो उसमें काफ़ी कन्वीनियंस है, काफ़ी सहूलियात हैं कोडिंग के अतबार से, तो इसलिए हमने वो वाला यूज़ किया। जी दोस्त हाँ नहीं, ये H1 में लिखा हुआ है ना इसलिए आ रहा है, ये आप देखें ना ये H1 में है। H1 वो बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा साइज़ में भी बड़ा हो जाता है, जो बॉडी है ना उससे डबल हो जाता है साइज़ उसका और बोल्ड भी हो जाता है, तो ये H1 की वजह से बोल्ड है। हमारे पास भी देखें ना, हमने ये H1 लगाया हुआ है हमने भी ना, तो हमारे पास भी जो रिज़ल्ट है वो देखें बोल्ड में शो हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी तो इन्होंने ये PC पे क्रिएट करना बताया और साथ साथ इसने आगे जो है वो मैक पे भी क्रिएट करना बताया, तो वो हम दोनों निपटा चुके हैं ये वाला मसला। अच्छा जी कोड इन कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, अब ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो होते हैं वो कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें आप
ड्रैग ड्रॉप करके ना पूरी वेबसाइट तैयार कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में जो सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है वो वर्डप्रेस है। अच्छा, उसके अलावा वो अभी वो बड़ा ऐड चलता है उसका यूट्यूब पे यार, कि बिल्ड विक्स जो है, बिल्ड योर वेबसाइट विद विक्स, और विक्स है और एक और भी बड़ा फेमस है, दोनों के आजकल ऐड चलते हैं। तो ये सारे जो है वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और बहुत सारे नुकसान भी हैं उसके, ठीक है। अब फ़ायदा उसका क्या है? सबसे पहला फ़ायदा तो ये कि वो आम तौर पे डिज़ाइन किया जाता है नॉन टेक्निकल लोगों के लिए, ठीक है। जैसे विक्स है, विक्स के ऊपर वेबसाइट बनाना एक नॉन टेक्निकल बंदे के हिसाब से उसको डिज़ाइन किया गया कि वो आए और उसके ऊपर अपनी वेबसाइट तैयार कर ले। अच्छा, उसमें वो फ़ोटो वगैरह जो भी लगानी है, कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं कि अच्छा जी ये बनी हुई वेबसाइट है, इसमें आपने जस्ट टाइटल चेंज करना है और ये फ़ोटो चेंज करनी है और ये तैयार हो जाएगी, तो समथिंग लाइक दैट। अच्छा, फ्रॉम स्क्रैच भी उसमें बनाई जा सकती है वेबसाइट, कि अच्छा जी हेडिंग चाहिए तो ड्रैग करके ला के छोड़ते हैं और डबल क्लिक करके उसको एडिट करते हैं, वो हेडिंग चेंज हो जाती है। अच्छा, फिर इसी तरीके से लिस्ट वगैरह जो हम जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लिस्ट बना रहे होते हैं और टेबल्स बना रहे होते हैं, सेम उसमें उस तरह बना के हम लगा सकते हैं। तो एक तो ये आसानी है नॉन टेक्निकल लोगों के लिए। दूसरी इसके अंदर बात यह है कि इसमें वेबसाइट बहुत जल्दी भी बन जाती है, ठीक है, बहुत जल्दी वेबसाइट इसमें तैयार हो जाती है, ये इसका दूसरा फ़ायदा है। अच्छा, इसका जो नुकसान है वो इन्होंने यहाँ पे पूरा पैराग्राफ ही इस पर बांधा है, पूरा बाप बांधा है, तो आई होप कि ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो ये पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको मोटी मोटी बात बता रहा हूँ जो यहाँ पे हुई भी है। दूसरी बात ये कि ये कोड जो इससे पीछे ज़ाहिर है HTML ही समझता है ब्राउज़र, तो वो ड्रैग ड्रॉप जो हम कर रहे होते हैं ना, पीछे एक HTML का और CSS का कोड जनरेट हो रहा होता है। वो कोड जो जनरेट होता है ना, वो ऐसा कोड होता है कि वो बाद में उसको ह्यूमनली उसको रीड करना या उसको मॉडिफाई करना पॉसिबल नहीं होता। तो वंस आपने किसी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे अगर वेबसाइट बना लिया ना, तो उसी पे ही वो आपने फिर उसको मजीद मॉडिफाई जब भी करना है वो उसी पे ही करना होगा आपको, ठीक है। अच्छा, तो एक ये मसला है कि वो कोड अगर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा कोई हाथ से चेंजेस कर लूँ उसमें, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप कहेंगे कि चलो यार, ज़रूरत भी क्या है उसमें, मतलब मॉडिफाई करने की हाथ से, जब वो ड्रैग ड्रॉप दिया हुआ है। दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पर है कि उसमें ड्रैग ड्रॉप में ना सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं, सही है। उन्होंने बस मोटी मोटी चीज़ें की भी होती हैं। अच्छा, वो जितना मर्ज़ी भी अवेलेबल कर लें, वो बहुत सारी चीज़ें वो नहीं कर पाते। जैसे एक चीज़ होती है पैरालेक्स इफेक्ट होता है। अब CSS में इतनी सारी एनिमेशंस आ गई हैं, 1000 तरह की चीज़ें हो गई हैं। तो अगर मैं पैरालेक्स का आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, तो ये एप्पल वालों ने अपनी वेबसाइट पे ये लगाया होता है अक्सर। अच्छा, अब आप नोट करें, जब मैं स्क्रॉल करूंगा ना, तो पेज एक अलग स्पीड से स्क्रॉल हो रहा होगा और अंदर का कॉन्टेंट सम टाइम ना थोड़ा डिफरेंटली स्क्रॉल कर रहा होगा। कुछ जगहों पर इसने ये लगाया होता है। अच्छा, ये मेरे ख्याल है मैं आईफोन वाले में चला जाता हूँ, उस पेज में नहीं था। अच्छा, ये तो एनिमेशन चल रही है, ये चल के पूरी हो जाए ज़रा। अच्छा, ये एनिमेशन चल के ख़त्म हो गई। अब देखें, जब मैं इसको स्क्रॉल करूँगा ना, तो कुछ जगहों पे, ये आप नोट कर रहे हैं, जब मैं पेज स्क्रॉल करता हूँ तो नीचे का वो डिव शो होता है, जब मैं वापस ले जाता हूँ डिव गायब, नीचे वाला जो एक बंदी बनी हुई है, जिसमें ये बंदी जो बनी हुई है, जब मैं वापस नीचे लेके जाता हूँ ये गायब हो जाता है। तो ये पेज स्क्रॉल होने के साथ साथ ये विजिबिलिटी इसकी बनती है। अच्छा, और ये आप नोट कर रहे हैं, जब मैं इसको ऊपर लाता हूँ तो ये वीडियो प्ले होती है। अब इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत एडवांस किस्म की चीज़ें हैं, ये CMS के अंदर कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि अब वो इस तरह अगर चीज़ें ऐड करने लग गया है तो फिर तो बहुत मसला हो जाएगा, सही है। अच्छा, इसमें पैरालेक्स अभी तक नज़र नहीं आया मुझे, पैरालेक्स वाला इफेक्ट अभी तक इसमें नज़र नहीं आया। खुलेगी कैसे ये वेबसाइट? मेरे ख्याल है हाथ से टाइप करना पड़ेगा इसका URL हमें।
ये खुल गई वो वाली वेबसाइट जो आर्टिकल में जिक्र था। अब जब मैं इसको स्क्रॉल करूँगा ना, ये मैं इसको स्क्रॉल अप और डाउन कर रहा हूँ। इसको स्क्रॉल अप करने से क्या होता है कि पेज स्क्रॉल होने के बजाय वो जूम कर रहा है और एक डिफरेंट अंदाज में जो है ना अभी आहिस्ता आहिस्ता स्क्रॉल होना शुरू हुआ। और ये स्क्रॉल देखें, पेज एक अलग स्पीड में स्क्रॉल हो रहा है और अंदर का कंटेंट जो मूव कर रहा है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट स्पीड है उसकी। देखें, एक चीज़ बड़ी हो रही है और छोटी हो रही है स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन के साथ ना, तो स्क्रॉल के साथ ना चीज़ें कनेक्टेड हैं इसकी। देख रहे हैं, स्क्रॉल अप और डाउन हो रहा है ये, तो इसके साथ ये चीज़ें कनेक्टेड हैं। ठीक है, अच्छा ये एक चीज़ मैंने बताई है पैरालेक्स, जो रिसेंटली बड़ा लोगों ने इसको इस्तेमाल किया और बड़ा अप्रिशिएट किया। एप्पल वालों ने भी लगाया हुआ था, गालबन इन्होंने अब हटा दिया, इन्होंने बोला वो पुराना हो गया तो अलग से हमें फिर सर्च करनी पड़ी वेबसाइट। अच्छा, तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो होता है ना वो इस तरह की जो जदीद फीचर होते हैं ना, ये चीज़ें उसमें मौजूद नहीं होती। उस ड्रैग ड्रॉप का जो पैन बना हुआ है ना, जो टूल बार बना हुआ है, वो ज़ाहिर है लिमिटेड है, तो उसमें हर चीज़ पॉसिबल नहीं होता डालना। तो या अगर किसी पार्ट में आपने कोई स्पेसिफिक कलर देना है, किसी खास मतलब हद तक आपने कुछ लगाना है, आपने एक हेडिंग है उसमें कुछ इस तरह से कलर देना है कि उस जैसे ये एक हेडिंग लगी हुई है हमारे पास, अब मैं चाहता हूँ कि इस दिस इज हेडिंग को जो है ना ऊपर वाला आधा पार्ट इसका जो है वो रेड हो जाए और आधा नीचे वाला पार्ट जो है वो ब्लू हो जाए, कुछ इस तरह की अगर मैं चीज़ करना चाहता हूँ, ये चीज़ें उसमें नहीं हो सकती। जो एक्सपर्ट लेवल की चीज़ें ना वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में आमतौर पर नहीं हो पाती। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में सीधी सीधी वेबसाइट्स बनती हैं, जैसे कि कोई ब्लॉग हो गया, कोई आर्टिकल हो गया, इस तरह की चीज़ें, या कोई शॉपिंग की वेबसाइट हो गई, बिल्कुल सीधी सीधी जो आइटम है ना वो वाले उसके अंदर बनते हैं और वो पहले से बने हुए ज़्यादातर टेम्पलेट होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि CMS को यूज़ करने में कहीं ना कहीं लिमिटेशन आ जाती है और वो बहुत जल्दी आती है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत देर बाद, और वो बहुत जल्दी आ जाती है। अच्छा, डिफरेंट CMS जो है उसमें ये डिफरेंट लेवल की एक्सपर्टीज़ मौजूद है। मिसाल के तौर पे कुछ CMS ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही बेसिक होते हैं। अच्छा, कुछ CMS होते हैं जैसे WordPress है, वो काफ़ी एडवांस होते हैं, उसमें बहुत सारी कस्टमाइजेशन हो जाती है उसके अंदर, लेकिन अल्टीमेटली उसमें भी कहीं ना कहीं जाके लिमिट आ जाती है। तो ये दो मैंने आपको ड्रॉबैक्स बताए CMS सिस्टम के। अच्छा, तीसरा ड्रॉबैक ये है कि इस CMS सिस्टम के बैकएंड पे कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होती है। एक तो HTML है ना, वो तो सिर्फ उससे स्ट्रक्चर बनेगा, लॉजिक्स जो बनती हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनती है कि भाई किसी बटन पे क्लिक हो तो क्या हो। पीछे सर्वर होता है उसका जिस पे रिक्वेस्ट जा रही होती है और वहाँ से वो डेटा आ रहा होता है, फिर जाहिर है डेटाबेस होता है पीछे, जो भी साइन अप करता है लॉगिन होता है वो उस डेटाबेस में सारा डेटा सेव होता है। तो हर CMS सिस्टम के पीछे कोई ना कोई सर्वर, कोई ना कोई डेटाबेस और कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। जैसे WordPress के पीछे PHP रन होती है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अच्छा सर्वर उसमें गालबन अपाची सर्वर चलाते हैं वो, और डेटाबेस उसके अंदर होता है SQL। अच्छा, तो ये जो स्टैक है ये काफ़ी पुराना स्टैक है। अच्छा, और ये काफ़ी स्लो होता है, PHP पे लिखी बनी हुई वेबसाइट जो होती है वो बाय डेफिनेशन वो स्लो होती है, क्योंकि वो जिस ज़माने में बनी है उस ज़माने के हिसाब से बनाई गई है, लेकिन आज के दौर में उससे बहुत जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है जैसे कि Node.js, उससे काफ़ी ज़्यादा फास्ट है वो। अब अगर आप ये चाहेंगे कि यार मैं CMS पे वेबसाइट बनाऊँ और वो फास्ट हो, तो ये भी समटाइम पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जो जैसे WordPress है और जो Wix है, इन दोनों के पीछे गालबन ये PHP ही चल रही है दोनों के पीछे। अच्छा, वो अंडरलेइंग जो टेक्नोलॉजी है ना वो आपको तो कभी फेस नहीं करनी पड़ती, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो उसका परफॉर्मेंस का एक बेंचमार्क है, वो आपको पता चल रहा होता है। और जैसे जैसे आपकी वेबसाइट ग्रो होती जाती है ना, वो अल्टीमेटली वो क्या होती है, वो स्लो से स्लो होती चली जाती है। अच्छा, क्योंकि वो कोड जनरेटेड होता है पीछे, आपके हर ड्रैग पे एक कोड जनरेट होता है, तो वो कोड भी इतना एफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि आप जब ह्यूमनली कोई कोड करते हैं तो आप उसको एफिशिएंटली कर रहे होते हैं। ठीक है, आपने अगर कोई बॉक्स बनाना है तो आपको पता है कि अच्छा जी ये एक डिव बनाऊंगा ये बॉक्स बन जाएगा, लेकिन कंप्यूटर से जब वो जनरेट होता है ना तो वो कोई 10-12 एलिमेंट को मिला के कुछ पता नहीं क्या करता है, और वो ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा वो कोड जनरेट कर रहा होता है पीछे, तो इतना एफिशिएंट नहीं होता वो कोड। राइट, तो उस जो कोड जनरेट हो रहा है उसकी भी एफिशिएंसी कम है, पीछे जो फ्रेमवर्क उसके अंडरलेइंग है वो भी पुराना है, तो वो एक आपके लिए ना मसले मसाइल वो ख़त्म होने के बजाय वो बढ़ते ही चले जाते हैं। ठीक है, तो वैसे एफिशिएंट जब मैं कह रहा हूँ ना एफिशिएंट कोड, तो एफिशिएंट समझ रहे हैं सब लोग कि क्या मतलब हो रहा है इसका। जैसे कोई भी मशीन होती है ना, यानी एफिशिएंसी बता रहा हूँ अगर जस्ट इन केस कि किसी को अगर आइडिया ना हो, तो
क्योंकि एफिशिएंसी का हमारे यहाँ कुछ और मतलब लिया जाता है आमतौर पे, लेकिन जब हम कंप्यूटर साइंस में या इन जनरल साइंस में एफिशिएंसी की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ आउटपुट कितना दे रही है। मिसाल के तौर पे हम एक गाड़ी में जब पेट्रोल डालते हैं तो वो उसके अंदर जो जो एनर्जी है वो कितने परसेंट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी ना। तो अगर तो जितना मैंने पेट्रोल डाला है अगर वो तमाम का तमाम पेट्रोल अगर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो वो 100% एफिशिएंट होगी मशीन वो, लेकिन ऐसा होता नहीं अनफॉर्चुनेटली। आमतौर पर 40-50% एफिशिएंसी होती है, जो अच्छे से अच्छा डीजल इंजन है उसमें भी शायद 65% तक अचीव किया है अभी तक हमने। तो बाकी का जो 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 फ्यूल होता है वो या तो बर्न होते वक्त वो ज़ाया हो जाता है या तो कन्वर्जन में वो ज़ाया हो जाता है, ठीक है। जैसे ये पावर बैंक लगा हुआ है हमारे सामने, इसके बॉक्स पे लिखा हुआ है कि 70% एफिशिएंसी लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये 20,000 mAh का तो है ये पावर बैंक, लेकिन जब ये इससे मैं मोबाइल को लगाऊंगा ना तो ये पूरा 20,000 मोबाइल को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ये 70% 75% करेगा, जो उन्होंने खुद किया है करेगा उससे भी कम बाई दबे। और सबसे सिंपल मशीन की अगर हम बात करें तो कैंची इस्तेमाल करते हैं हम घर पर, तो वो सबसे सिंपल मशीन है कि एक तरफ से हम पकड़ते हैं उसको और यूँ दबाते हैं तो सामने से वो कपड़े को काट रहा होता है। तो जो यहाँ से जितना मैं एनर्जी इस पे लगा रहा हूँ अगर सामने से उतना ही आउटपुट निकले तो दैट इज़ 100% एफिशिएंट मशीन। अच्छा 100% एफिशिएंट मशीन ना इसको हम कहते हैं आइडियल पता नहीं कुछ करके बोलते हैं, तो ये एग्जिस्ट नहीं करती दुनिया की कोई भी मशीन 100% कभी भी नहीं हो सकती, ये अनअचीवेबल है, ठीक है। तो वो हम कैंची में जो हम फोर्स यहाँ से अप्लाई करते हैं वो सामने ज़ाहिर है कुछ ना कुछ उसमें बीच में ज़ाया हो जाता है, उसकी पुली के अंदर या क्या कहते हैं जो कपड़ा जो काट रहे हैं उसकी, तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ ज़ाया हो जाता है ग्रेविटी की वजह से, जो उस फ्रिक्शन उसके अंदर है कितनी तेज़ धार है एक्स वाई जेड बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसमें, तो वो एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो जब मैं बात कर रहा हूँ कि एफिशिएंट कोड लिखने की जब बात कर रहा हूँ तो अभी तक हमने ज़्यादा कोई कोडिंग की नहीं है, तो वो हमें शायद अभी इस क्लास में ना ये वालेकुम अस्सलाम बैठ जाएँ तो हमें शायद अभी ना कोई ख़ास अंदाज़ा हो नहीं पाएगा कि एफिशिएंट कोड किसको कहते हैं, लेकिन जब हम ये जावास्क्रिप्ट में जैसे ही एंटर होंगे तो आप ये देखेंगे कि एक ही काम को करने के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कई डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। अच्छा कुछ उनमें से थोड़े ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं कुछ कम एफिशिएंट होते हैं, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जब हम ये फॉर लूप पढ़ेंगे, जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट में, तो ये वाला टॉपिक फिर मज़ीद डिटेल में डिस्कस होगा कि एफिशिएंट कोड का क्या मतलब होता है ना। एफिशिएंट कोड का मतलब है कि कोड ऐसा हो कि प्रोसेसर कम से कम टाइम में उसको एग्जीक्यूट कर ले, प्रोसेसिंग पावर कम से कम यूज़ हो और हमारा आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हमें मिल पाए। तो एफिशिएंसी का जो है मेन इशू जो है ना अल्टीमेटली सीएमएस सिस्टम्स में आपको देखने को मिलता है। अच्छा सीएमएस सिस्टम ना कुछ इस तरह के दिखते हैं, ठीक है। आप देखें साइड में ये टूल बार लगा हुआ है कि भाई मीडिया ऐड कर लें आप, लिंक ऐड कर लें, नया पेज बना लें आप, और यहाँ पे देखें आप ये बोल्ड और ये सारी चीज़ें ना लिखी हुई है कि अच्छा जी इतने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया बोल्ड का बटन दबाया तो वो बोल्ड हो गया। तो इस तरह के कुछ दिखते हैं सीएमएस सिस्टम्स। अच्छा जी, अच्छा इसने जो ये नोट पैड पर बनाई थी ना वेबसाइट, ये वो दिखा रहा है कि जी अच्छा ये नोट पैड पर ये कोड लिखा हुआ है और ये ब्राउज़र पे उसका डिस्प्ले आ रहा है, ठीक है। हमने तो वीएस कोड इस्तेमाल किया तो हम उसको कॉपी पास करके हम पेस्ट करते हैं तो सेम चीज़ हमें भी देखने को मिल जाती है। अच्छा यहाँ पे हमारा जो पहला चैप्टर था वो कम्प्लीट हो गया। इसकी समरी है चैप्टर की, कोशिश कीजिएगा कि समरी को पढ़ लें, समरी पढ़ने से ना चैप्टर जो है वो रिवाइज़ हो जाता है। तो दो मिनट में जल्दी से ना समरी सब लोग पढ़ लें फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं।